आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर गुरुवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे अपने गृह जनपद गोरखपुर। गुरु गोरखनाथ महाराज की पूजा अर्चना के बाद सभी ब्रह्मलीन महंतों के समाधि स्थल पर टेका मत्था, विभिन्न कार्यक्रमों में किए शिरकत। शुक्रवार को महाराजगंज होंगे रवाना। गोरखनाथ मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह और सांसद जगदम्बिका पाल ने गुरु गोरखनाथ की आराधना। दोनों ब्रह्मलीन महंतों को दी श्रद्धांजलि। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की प्रतिमा के पीछे स्थित पार की दीवार पर दिग्विजयनाथ की जीवनी पर आधारित बनाया गया म्यूरल पेंटिंग। अतिथियों ने किया अवलोकन, पेंटिंग की सराहना। गोरखपुर के कान्हापुर में 1200 गायों की मौत की कगार पर वायरल खबर का नगर आयुक्त ने किया खंडन। कहा कान्हापुर में नहीं है कोई जानवर बीमार, जानवरों के चारे व रखरखाव की उचित है व्यवस्था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व केंद्रीय शिक्षा व कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने योग पुरुष ब्रह्मलीन महंत गोरखपीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ की प्रतिमा का किया अनावरण। कहा राम मंदिर की लड़ाई व चौरी चौरा की लड़ाई में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ का अहम है योगदान। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की आयुक्त व सचिव मनीषा त्रिघाटिया ने स्वामित्व योजना की समीक्षा। डिजिटल घरौनी के कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। गुरुवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 84 केंद्रों पर 29,815 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। प्रथम डोज लेने वालों में 19,673 और सेकेंड डोज लेने वालों में 10,142 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा अवश्य लगवाएं टीका जीत का। महंत दिग्विजयनाथ एवं महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि समारोह के अवसर पर गुरुवार को श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ महाराज को प्रमुख साधु संतों एवं महाराणा प्रताप शिक्षा संस्थान के विभिन्न संस्था प्रमुखों ने दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने कहा देश की संस्कृति संस्कृत और संस्कारों की है संस्कृति, गौवंश व संस्कृत संरक्षण के लिए मठ मंदिरों को आगे आने की है जरूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी महानगर एवं जिला इकाई के तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय नव भारत मोदी मेला एवं प्रदर्शनी का महापौर ने फीता काटकर किया उद्घाटन, प्रदर्शनी का किया अवलोकन। गोरखपुर में गुरुवार को मिले 4 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,414। अब तक 849 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके अपने जान, 13 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। महंत दिग्विजयनाथ एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित श्री राम श्री कृष्ण कथा का तात्विक विवेचन के समापन अवसर पर कथा व्यास स्वामी वासुदेवाचार्य महाराज ने व्यास पीठ से किया गोपियों के चीरहरण की कथा के मर्म का वर्णन। कहा जीवन में सिर्फ प्रभु का करे अनुसरण, प्रभु ही है एक आशा। और जिले की तीनों नदियां पहुंची खतरे के निशान बिंदु से नीचे। एडीएम फाइनेंस ने कहा अब समाप्ति की तरफ, अब बाढ़ की स्थिति नहीं है कोई दिक्कत।